न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। राजस्थान के चौमू तहसील ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द के ग्राम नाड़ी स्थित पुछला की ढाणी में रविवार रात्रि को यादव समाज की एक बेटी किरण यादव की रेगिस्तान का जहाज ऊंट पर बैठा कर ठाटबाट से बिंदोरी निकाली। बिंदोरी सिंगोद खुर्द के ग्राम नाड़िया पुछला की ढाणी निवासी किरण यादव पुत्री रिछपाल यादव लाडो की बिंदोरी गाजेबाजे के साथ ग्राम सिंगोद खुर्द के पिपली स्टैंड से रवाना होकर नाड़िया होते हुए पुछला की ढाणी में दुल्हन के घर तक निकाली गई। बिंदोरी में महिलाओं ने मंगल गीत गाए, पुरुष और महिलाओं ने नाचते गाते ठुमके लगाए। दुल्हन ने भी बिंदोरी में ठुमका लगाया। बिंदोरी में राजेंद्र सिंह एंड डांस पार्टी सिंगोद कला ने ऊंट को नचाया और करतब दिखाए। दुल्हन किरण यादव की शादी ग्राम अरनिया श्री माधोपुर निवासी दूल्हा राकेश यादव के साथ 13 मई सोमवार को शादी होनी है। शादी समारोह आयोजित हो रहा दुल्हन के घर ये समाज में अंगूठी पहल करके रेगिस्तान का जहाज जो लुप्त हो रहा है उसको संरक्षण देने के लिए दुल्हन को उन पर बिठा कर बिंदोरी निकाली। समारोह में चोमू विधायक रामपाल शर्मा, ग्राम सिंगोद खुर्द सरपंच त्रिलोक लोचब, भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष सरदार जाखड़ रामलाल, पुछला कानाराम, पुछला कैलाश, पुछला पूर्व वार्ड पंच प्रभात चोपड़ा, रजत यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारे भाई बहनों में कोई भेदभाव नहीं किया और आज हमारी ऊंट पे बिंदोरी निकाली जा रही है। हमारी गुड़िया की शादी है, उस शादी में हमें जो रेगिस्तान का जहाज था जो लुप्त होने जा रहा था उसको हमने फिर से बढ़ावा दिया है। और हम इस समाज में ये बोलना चाहते हैं कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसमें बच्चों में भेदभाव ना समझे कि जो गुड़िया और बच्चे में जो भेदभाव समझते हैं हमने अभी तक नहीं किया। वो चीज़ है कि हम गुड़िया